गांधी को परेशान करने के लिए उसका कैसे फायदे में वो बदल देते हैं, राजनीतिक फायदे में, ये एक उदाहरण थी। अनम्यूट कर लीजिएगा रसल। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के निरंतर पॉलिटिकल होते जाने का ये सबूत है। एक पॉलिटिकल आदमी को किसी भी मौके को नहीं चूकना चाहिए था। पहले राहुल गांधी और सोनिया और प्रियंका तीनों चूकते थे। मैं देखता था कि ये लखनऊ हवाई अड्डे पर उतरते थे और वहां से सीधे या तो रायबरेली या सुल्तानपुर चले जाते थे। रास्ते में कहीं देखते नहीं थे, रुकते नहीं थे, जनता को संबोधित नहीं करते, जबकि मौके थे। बावजूद इसके कि इनकी स्थिति यूपी में थोड़ी खराब थी, इस बार या इसके पहले भी इधर लगातार भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार राहुल गांधी का जो आचरण है वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता की तरह होता जा रहा है। सुल्तानपुर में भी आपने सही कहा कि आपदा में उन्होंने अवसर तलाशा। मैंने आज कई लोगों से जो सुल्तानपुर में मेरे पुराने संपर्क है उनसे बात की, उन्हें एक ही बात का गिला था कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आए तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिस तरह से बनी है ज्यादातर आबादियों को ये आउट एकदम बाईपास कर देती है और एकदम सुल्तानपुर शहर के पास आकर के ये आबादी में घुसे। थोड़ा सा और बेहतर होता अगर ये घनी आबादियों से आते। बहरहाल लेकिन वहां जाकर के आज चूंकि वकीलों की हड़ताल थी या कोई वजह थी जिसकी वजह से अदालत की कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन कचहरी के गेट तक जाना, वकीलों के झुंड का वहां खड़े होकर उनका स्वागत करना, फिर लौटते समय किसी मोची के पास बैठ जाना, एक दो जूते खरीदना, उससे उसके पेशे के बारे में बात करना, छात्रों में जो नीट के कुछ छात्र थे उनसे मुलाकात करना, ये सारा शो करता है कैसे राहुल गांधी पॉलिटिकली मेच्योर हो रहे और जनता के बीच किस तरह से उनके कनेक्ट बन रहे। क्योंकि ये छोटे छोटे पेशे वाले, चाहे इंजन ड्राइवर हो, लोकोमैन हो, मोची हो, ये या किसी चाय के खोखे बैठा हुआ एक आदमी हो, ये जमीनी हकीकत से वाकिफ कराता है नेता को और नेता को बताता है कि जनता किस तरह सोच रही। तो राहुल गांधी का ये बहुत अच्छा कदम था और जैसा आपने कहा मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि आपदा में अवसर तलाशने का है। आप मुकदमों में घसीटिए, बुलाइए, लेकिन वहां जाकर के सिर्फ अदालत का पाला छू के लौट आने की जगह वो इस मौके का फायदा उठा करके जनता के साथ अपना एक कॉन्टेक्ट भी कायम करते। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम था राहुल गांधी का।